हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सदर 24 के बारे में बात करने वाले हैं। सदर 24 एक नया मार्केट प्लेस है जिस पर आप फ्लिपकार्ट, मीशो की तरह जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन्हीं की तरह ये वर्क करता है और आप इस पर सेलिंग कर सकते हैं। अभी ये नया है तो इस पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना बताऊँगा कि आपको इस पर कैसे रजिस्टर करना है, आपको इस पर सेलर कैसे बनना है। तो आइए कोई देरी ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल यूज़फुल है आपके लिए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको क्या करना है, एक नए टैब में सदर 24 सर्च करना है। सदर 24 मैंने पहले भी सर्च कर रखा है तो सदर 24 की जो फर्स्ट वेबसाइट आती है आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे इसके आप बायर पोर्टल पर चले जाएंगे। बायर पोर्टल के आपके राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल ऑन सदर 24 और एक जगह लॉगिन, तो आपको सदर 24 पर क्लिक कर देना है। सदर 24 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ डिटेल्स मांगेगा जैसे आपको हर मार्केट प्लेस में देनी होती है। तो फर्स्ट में आपसे मांगते हैं योर नेम, तो आपको सिंपली इसमें अपना नाम डाल देना है। आपको एक ये गलती नहीं करनी कि आपको इसके अंदर फर्म का नाम नहीं, आपको इसके अंदर अपना नाम डालना है। ये मैं अपने फ्रेंड का अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं उनका नाम डाल देता हूँ क्योंकि मैंने अपना अकाउंट पहले ही बना रखा है। तो ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने उनका अकाउंट ले लिया, तो मैंने उनका नाम डाल दिया। अब उनकी मेल डाल देते हैं, मेल आईडी। सेकंड वाले में आपको मेल आईडी भरनी है, मैं जल्दी से मेल आईडी डाल देता हूँ उनकी। तो गाइस, अगर आप में से कोई नया है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो मेरी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हाँ, अगर किसी को सदर 24 के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा। जीमेल डालने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर डालना है। आपको एक अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर होना चाहिए आपके पास जिसमें कि आपके सारे अपडेट्स आते रहें और इनकी कॉल्स वगैरह आएंगी तो वो भी आप पिक कर सकें। उसके बाद आपको अपना योर पासवर्ड डाल देना है। योर पासवर्ड वो होता है जो आपको लॉगिन करते टाइम डालना है, जैसे कि हर मार्केट प्लेस में आप एक पासवर्ड डालते हैं लॉगिन करने के लिए, तो वो डालना है। उसके बाद आपको इसके अंदर कंपनी नेम जो भी आपकी फर्म नेम है, आपको जो भी आपका स्टोर नेम है, आपका शॉप नेम है, आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर टाइप ऑफ बिजनेस डालना है। आपने जीएसटी जो जिस पर्पज़ पे ले रखी है आपको वो जीएसटी डालनी है, जैसे कि हम इन्होंने प्रोप्राइटरशिप ले रखी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो डाल देनी है। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर मैंने इनका यहाँ पे कॉपी कर रखा है तो यहीं से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद आपको इसके अंदर पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर जो कि आपका जो पैन कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है, आपको सिंपली वो डाल देना है। मैंने इनका पैन कार्ड नहीं लिया था तो मैं इनके अकाउंट में जाके इनका पैन कार्ड ले लेता हूँ। अगर आपका ये फ्लिपकार्ट अकाउंट हो और आपके पास पैन कार्ड अभी नहीं है तो आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में से जाके निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। तो आपको सिंपली चले जाना है मैनेज प्रोफाइल में। उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल में जाना है, सॉरी मैं बैंक डिटेल में आ गया, बिजनेस डिटेल में जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वहाँ पे पैन नंबर दिख जाएगा, आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और वापस सदर 24 पे आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसके अंदर नीचे दिखा रहा है ये कंपनी डिस्क्रिप्शन। अब आपको जो भी अपनी डिस्क्रिप्शन रखनी है, जो भी आपको अच्छी लगती है अपने शॉप के भी पे, आप किस पे काम करो, किस चीज़ में डील्स करते हो, आप वो सब डाल सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वी डील्स इन मैंस एंड वुमेंस क्लॉथ, जिनका ये अकाउंट है वो मैंस एंड वुमेन क्लॉथ बेचते हैं, तो मैंने सिंपली वो डाल दिया है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस डालना है आपको, वो भी मैंने इनका कॉपी कर रखा है, मैं वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको इसके अंदर मैं इसमें थोड़ा सा आगे इनकी कंपनी का नाम डाल दूँ जिससे कि आसानी हो। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड आपको अपनी सिटी का डालना है जो भी आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो वहाँ पे स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली भर जाएगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है पिकअप एड्रेस, मतलब कि आप जो पिकअप दोगे अपने जो पैकेट्स वगैरह ऑर्डर्स वगैरह पिकअप करवाओगे उसका एड्रेस देना है। तो सिंपली ये उनके जहाँ पे कंपनी एड्रेस है वहीं से पिकअप देंगे, तो मैंने इनका डाल दिया। उसके बाद आपको फिर दोबारा पिकअप पिन कोड डालना है, तो इनका सेम ही है, मैंने वो भी डाल दिया। अब आप देखेंगे वो दोनों आगे वाले स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली भर गए। उसके बाद आपको डालनी है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में सबसे पहले बैंक नेम, आपका जो भी खाता है जिस भी बैंक में आपको उसका नाम लिख देना है। उसके बाद आपको अकाउंट होल्डर नेम डालना है जिस भी नाम से आपका अकाउंट चल रहा है, तो मैं इनका डाल देता हूँ अकाउंट होल्डर नेम।
उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है अपना, वो भी मैंने कॉपी कर रखा। और हाँ गाइस, मैं इनकी पर्सनल डिटेल काफ़ी सारी हाइड कर दूंगा, तो कॉपरेट कर लेना आप सब। वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ किस चीज़ में मैं क्या भर रहा हूँ। इसके बाद आपको IFC कोड भरना है, जो भी आपका बैंक खाता होता है उसकी एक IFC कोड होता है, मतलब कि ब्रांच कोड होता है, वो भी मैंने इनका कॉपी कर रखा है, वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रांच, अब जो भी आपके जिस भी स्टेट में जो ब्रांच है उसका एड्रेस डाल देना सिंपली। तो हमारी ये बैंक जो है एक्सिस बैंक पश्चिम बिहार में, दिल्ली में, जो भी दिल्ली के लोग होंगे उन्हें पता होगा पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो पश्चिम बिहार मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपसे ये राइट साइड में एक और टैब है अकाउंट टाइप, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेविंग्स और करंट अकाउंट, दो अकाउंट आ रहे हैं, तो आपको जो भी अकाउंट हो, सेविंग हो तो सेविंग, करंट हो तो करंट, आपको ऐड कर देना है। तो गाइस इतनी सारी चीज़ हमने जो भी थी भर दी, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट में आपका नेम आएगा, इसमें कंपनी का नेम नहीं आपका नेम आएगा, उसके बाद आपकी मेल आएगी एक अल्टरनेट मेल, और एक आपका नंबर आएगा जिस पे कॉल्स वगैरह रिसीव होंगी, और एक आपका पासवर्ड होगा जो कि लॉगिन पासवर्ड होगा जब आप अकाउंट वगैरह ओपन करेंगे। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाता है, सबसे फर्स्ट में आपको कंपनी का नेम डालना है जो भी आपकी फॉर्म चल रही है, उसके बाद कंपनी जो आपकी जो GST जिस पे है, पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप, प्रोप्रेटरशिप है तो प्रोप्रेटरशिप, उसके बाद GST और पैन कार्ड नंबर और कंपनी की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपका आता है कंपनी का एड्रेस, आपकी जो भी कंपनी जहाँ पर है उसका एड्रेस और पिन कोड बस। उसके बाद पिकअप एड्रेस आता है, पिकअप एड्रेस में भी कंपनी का जो एड्रेस है जहाँ से आप पिकअप देंगे उसका एड्रेस और उसका पिन कोड सेम एज इट इज़ भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल में सबसे फर्स्ट में आपको एक्सिस बैंक, जो भी आपका बैंक है, मेरा एक्सिस बैंक है तो मैंने एक्सिस बैंक डाल दिया। उसके बाद आपका अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर और एक IFC कोड जो कि ब्रांच कोड होता है जहाँ पे आपकी जो भी ब्रांच का एड्रेस है उसका एक कोड होता है। उसके बाद ब्रांच का एड्रेस जहाँ पे वो है बैंक, उसके बाद आपका अकाउंट टाइप, उसके बाद आपको सिंपली सबमिट फॉर कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ गलत डाल रखा है तो उसने इंडिकेट कर दिया, अब वो देख लेते हैं मैंने क्या गलत डाला है। तो मैंने यहाँ पे जीमेल के आगे स्पेस दे दिया था, तो बस वही टिक करना है। इसको टिक करने का रजिस्टर फॉर योर शॉप कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड सेव, मैंने सेव कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक करेक्शन बोलता है, मतलब कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप दोबारा चेक कर लें और उसके बाद सेव कर दें। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ देख लेते हैं, अगर आपका शॉप लोगो है तो आप शॉप लोगो भी डाल सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा कि सारी चीज़ ठीक है कि नहीं। अगर आपकी सारी चीज़ ठीक है तो फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाएगा, लेकिन आपको एक दो बार रिफ्रेश करना है वो वापस ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी नई नई ऐप है तो इनके जो मतलब कि स्टाफ थोड़ा कम है इसलिए ये होता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हो चुका होगा। तो आपका अकाउंट बन के रेडी है। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना इसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह की वीडियो, या फिर इसकी जो कमीशन वगैरह जो कटती हैं, कस्टमर रिटर्न के कितने चार्ज करते हैं और शिपिंग वगैरह कितनी लगती है, आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर हमारा चैनल यूज़फुल है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।